क्या आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं लेकिन बहुत से डिफरेंट रीजन की वजह से नहीं ला पाते? तो ये वीडियो ऑफ बुक समरी द वॉर ऑफ आर्ट आपको आज ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाएगा जिससे आप अपने क्रिएटिविटी को ना सिर्फ फ्रंट पर लाएंगे बल्कि आप में से बहुत से लोग उस पैशन को प्रोफेशन भी बना लेंगे। अनलाइक द अपर जनरेशन, हम सब में एक इंटरेस्ट का कीड़ा है जो हमारी सोच, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ड्रीम्स को बड़ा बनाता है। इसलिए पहले के मुताबिक आज के जमाने में नए और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे ब्लॉगर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स। हम चाहते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है। बुक द वॉर ऑफ आर्ट में ऑथर स्टीवन प्रेसफील्ड ने यह बताया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ, वन दैट वी लिविंग विच इज ऑन अ डिफॉल्ट मोड एंड अदर विच वी अस्पायर टू लिव विच इज ऑन अ ड्रीम मोड। जो लाइफ हम जीना चाहते हैं उसके लिए जो लाइफ हम जी रहे हैं उससे चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कहती है जो आप बनना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही बड़ा दुश्मन है कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसके अलग अलग रूप है। रेजिस्टेंस एक टर्मिनेटर है जो आपको आपके क्रिएटिविटी को मारता है और आपको अपना एक्चुअल पोटेंशियल डिस्कवर करने से रोकता है। रेजिस्टेंस फिल्स आवर ब्रेन विद सेल्फ डाउट एंड फोर्सेस अस टू फॉरगेट आवर क्रिएटिव एस्पिरेशंस। रेजिस्टेंस इमीडिएट प्लेजर और शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है जिससे आपका ब्रेन आपके गोल्स के बारे में सोच ना पाए। ये रेजिस्टेंस का इफेक्ट ही है जो आपको डेजर्ट खाने की क्रेविंग, अल्कोहल पीने का एडिक्शन एंड चैटिंग करने की आदत को बढ़ावा देता है। अगर आपने अपने आप को रेजिस्टेंस के सामने सरेंडर कर दिया देन यू विल एंड अप बीइंग बिटर, एंग्री एंड अनफुलफिल्ड पर्सन। अब आप ये सोच रहे हैं कि रेजिस्टेंस को डिफीट कैसे करें? एम्ब्रेस इट। इसको हराने का एक ही तरीका है कि इसे अपना बना लो। साइकोलॉजी यह कहती है कि ब्रेन आपको जिस तरफ जाने से रोक रहा है वही आपका असली इंटरेस्ट या पैशन है। जो आप दिल से करना चाहते हैं वही रेजिस्टेंस आपके ब्रेन में निगेटिव प्रोग्रामिंग करने लगती है। इट्स आवर गाइडिंग कंपास दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इन आवर वर्ल्ड ऑफ पैशन। लाइक व्हेनेवर यू आर अनश्योर अबाउट अ बुक देयर इज अ इंटरेस्ट प्लस एंग्जायटी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आप हमेशा किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले एक्साइटेड और घबराए हुए दोनों होते हो। अगर आप एक एक्टर है तो आप शूट में जाने से पहले नर्वस प्लस एंथुजियास्टिक दोनों होते हो। जहां पर भी रेजिस्टेंस आपको रोके समझ जाइए ये वही जगह है जहां आप इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से एक्सेल कर सकते हो। एंड देन फेस इट। एक फेमस एंड डिग्निफाइड नेवल कमांडर ने अपने नेवल ऑफिसर से ये कहा कि हम सबके अंदर दो वॉल्व्स होते हैं, करेज वॉल्व एंड अ फियर वॉल्व। हम जब भी अपने फियर के कारण या नर्वसनेस की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं तब रेजिस्टेंस हमारे फियर वॉल्व को फीड करता है। इसलिए उठो, खड़े हो और अपने रेजिस्टेंस को फेस करो। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को अवॉइड करके फियर वॉल्व के साथ जीना चाहते हो या रेजिस्टेंस को फेस करके करेज वॉल्व को फीड करना चाहते हो। स्टीवन अपने करेज वॉल्व को फीड करने के लिए रोज फिक्स टाइम पर अपना राइटिंग रूटीन स्टार्ट कर देते हैं और तब तक नहीं उठते जब तक वो बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो जाए। उनका ये मानना है कि आपने कितना काम किया क्वालिटी और टाइम से ज्यादा एफर्ट्स पर डिपेंडेंट होता है। द सिंपलेस्ट वे टू फाइट बैक रेजिस्टेंस इज जस्ट गेट अप and start. The moment you decide to start a thing and second you sit for it, उस वक्त से आपका brain ideas और insight को attract और resistance को repel करना शुरू कर देगा। और आप उसके पीछे घंटों लगे रहे तो आपका interest आपकी creativity को एक अलग level पर पहुंचा देगा। पर ये मूल मंत्र सिर्फ उसी दिन के लिए valid है क्योंकि अगले दिन आपको resistance फिर से जकड़ लेगा। But if you continue it for tomorrow, day after tomorrow and so on, then you will discover what you are born for. So embrace the resistance, face it by just starting the spark and lit it into fire by the conviction of dedication over all what you have got.